हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टापास्ट्री चैनल पर। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम के इस पार्ट नंबर 21 में भी एक नया कांसेप्ट आएंगे। इसके पिछले वीडियो में भी एक नया कांसेप्ट आए थे, नहीं देखें तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि वह नया कांसेप्ट क्या है जो इस वीडियो में बताएंगे आपको। पहले बताएंगे हम, आप सुन लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, फिर छाप लीजिएगा, उसके बाद उस पर आधारित सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, कांसेप्ट अगर क्लियर रहेगा क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से लगाएंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए, नोट डाल के आप ले लीजिएगा, लेकिन पहले सुनिएगा नोट डाल। किसी भी एक अंक वाली संख्या को 6 बार या 6 के गुणज के बारे में लिखा जाए तो वह संख्या हमेशा 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। अर्थात पूरा क्या होती है, विभाजित होती है। अगर उससे भाग कर देंगे शेष पर 0 आएगा। देखिए, यदि एक अंकों वाली संख्या को 6 बार या 6 के गुणज के बार में लिखी जाए तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। यही कांसेप्ट है, पूर्णतः विभाजित होती है। क्लियर? 3, 7, 11 और 13, 17 से यही आपको लिखना है। कौन? एक अंक वाली, एक विभाजन। ठीक, 6 बार या 6 के गुणज के बारे में। गुणज मतलब 6 के वह संख्या जो 6 से कट जाए वही 6 का गुणज कहलाती है। वह संख्या जो 6 से कट जाए वही 6 क्या हो गई, वही 6 का गुणज कहलाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दें 5 × 5, 5, 5, 5 कितना बार लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान ले लिख दिया हम 60 बार, 60 बार, 60 बार, और इसमें भाग कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं मान लीजिए 7 से, तो शेषफल क्या आएगा? कांसेप्ट आपको याद रहेगा ना, कर लेंगे तुरंत। शेषफल क्या आएगा भैया? शेषफल क्या आएगा? 0। क्योंकि यदि कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है किसी संख्या से तो शेषफल 0 आता है, आता कि नहीं? ये जी देख रहे हैं कि अगर किसी भी एक अंक वाली संख्या को 6 बार या 6 के गुणज के बारे में लिखा जाए तो वह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। तो इसमें से किसी भी संख्या से अगर इसमें भाग कर देंगे शेषफल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो 60 है आपका, ये 6 का क्या है? गुणज है। गुणज कैसे पहचाने? अगर आप जो है 60 में 6 भाग करेंगे 10 बार जाएगा नहीं, आपका कट जाएगा कि नहीं? भाग करने कट जाएगा ना, अगर 6 से वह संख्या कट जाएगी तो इसको गुणज कहलाएगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कोई संख्या ले लीजिए यार, एनी नंबर, कोई नंबर, एक अंक केवल सिंगल रहना चाहिए, एक ही अंक रहना चाहिए। लो ले लें 9, 9, 9 डॉट डॉट ले लिए, कितना बार?
ले ले कोई संख्या, कोई संख्या ले ले, चलिए ले ले रहे हैं आराम से, जो है 366 बार, ठीक ना, 366 बार। अगर इसमें भाग करना है किससे, 37 से, यानी इसमें से किसी भी संख्या से, तो शेष पर कितना आएगा, शेष कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखिए यह क्या है, 6 का गुणज है, कैसे पास आने, 6 से अगर आप भाग करेंगे इसमें 6 के 6 सॉरी 6 को 36 6 पर गया, 6 पूरा कट गया कि नहीं, पूर्णतः विभाजित है, अर्थात यह जो संख्या है ये 6 क्या है, गुणज है, जब गुणज है तो इसमें से सभी संख्या उसके आगे विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो यहाँ पर 37 के अलावा अगर 3 से भाग करते, 7 से करते, 11 से करते, 13 से करते तो भी क्या होती, विभाजित होती, क्या होती, विभाजित। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए इसके गुणज से थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए जैसे जैसे लिख ले रहे हैं आराम से, कोई संख्या ले लीजिए, कोई संख्या लीजिए आप, ठीक ना, जो 4 ले ले, 4 ले ले, 4 इधर क्वेश्चन है, 4 डॉट ले ले रहे हैं आराम से, 104 बार इसमें भाग कर रहे हैं, किससे इसमें भाग कर रहे हैं, मान लीजिए किससे, जिससे कौन से कर दे, 13 कर दे, ये 13 कर दे रही, कोई ले लीजिए इसमें किससे भाग कर दो, शेष पर क्या आगे देखिएगा, अब की बार देख लीजिए थोड़ा सा, जो 104 है, 104 6 से भाग करेंगे 104 में, तो 6 के 6 4 आ गया 44, 6 सत्ते 42, 6 का गुणज नहीं, 6 का गुणज की बार जो एक अंक वाली संख्या है वह 6 के गुणज बार नहीं लिखा गया है, लिखे हैं कि 6 के गुणज के 6 बार हो या 6 के गुणज के बार में, तो ये 6 के गुणज के बार नहीं है, क्या करेंगे, तो इसके गुणज से कितना ज़्यादा है बताइए, अगर 102 होता, 17 6 2 102 होता तो 6 का गुणज था, 6 का गुणज था, लेकिन यह 104 है, 104 है, तो क्या करेंगे, जब 6 के गुणज से ज़्यादा रहेगा, कितना ज़्यादा है, कितना बार, जो शेष पर आएगा, दो बार ज़्यादा है, 104 102 होता पूरा कट जाता, 6 का गुणज था, शेष पर 0 आता, लेकिन 104 जो है 6 का गुणज नहीं है, दो बार ज़्यादा है, तो जब दो बार ज़्यादा है, जो एक अंक वाली संख्या है ना उसको उतना बार लिख देंगे, जितना बार ज़्यादा है उसके गुणज से उतना बार लिख के तब उसमें भाग कर देना, हो गया आंसर, यहाँ पर लिखेंगे इसको, देखो कितना बार ज़्यादा है, दो बार, भैया ये जो किए 102 से क्या दो बार, दो ज़्यादा है, दो क्या है, दो ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो जो एक अंक वाली संख्या उसको उतना बार लिख देंगे, जितना बार ज़्यादा होगा उसके गुणज से उतना लिख देना, दो बार ज़्यादा था दो बार लिख दिए, अब इससे भाग कर देंगे, 13 43 13 4 52 तो 13 43 45 और 5 कितना होता है 44, शेष पर कितना आ गया 5। सुना कि नहीं आपको, कि अगर ज़्यादा रहेगा, जितना बार ज़्यादा रहेगा उसको उतना बार लिख करके तब पाना, तब तो आप इसे छाप लीजिए, फिर हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहले छाप लीजिए इसे, पूरा नोट डाल ले लीजिएगा आराम से, ठीक है ना, हो गया, आगे बताएं, चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए आराम से, पूरे डाल दे, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो प्रश्न क्या हो जाएगा, चुटकियों में लगेगा, बोले थे ना बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए 2 है, 2 आपका है, कितना बार है, 7200
24 बार, 7224 बार इसमें भाग करना है, जिससे कहो उसी भाग कर दें, जिससे कहो उसी भाग कर दें, ठीक है ना। तो चलिए अब की बार हम कर देते हैं किससे, 37 से भाग देते हैं। शेषफल निकालना है, शेषफल क्या आएगा ना भाई, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो शेषफल ही निकालना है ना। रिमाइंडर थ्योरम में प्रत्येक प्रश्न में रिमाइंडर का जरूरी हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि जितने प्रश्न हैं सब में शेषफल का यूज जरूर आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए आप क्या करेंगे, तो पहले इसमें आप भाग कर दीजिए, 7224 इसमें 6 से, 6 का गुणज है या नहीं, 6 का गुणज है या नहीं, तो गुणज चेक करने के लिए ये भी चेक कर सकते हैं, अगर ये संख्या 2 से और 3 से कटेगी तो वह संख्या 6 से भी कटेगी, बताओ 2 से कटेगी, 2 से कटेगी डिविलते रूल बताए हैं, 3 से 7 4 11 और 11 4 15 3 से भी कट जाएगी, यह संख्या 6 का गुणज है, और जब 6 का गुणज रहेगी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए अगर कोई संख्या 2 से कटती है और 3 से कटती है तो वह संख्या 6 से भी कटती है, और जब 6 से कटेगी तो 6 का गुणज हो जाएगी, डिविजिबल रूल यही है। देख लीजिए एक बार, 6 के 6 6 दूनी 12 2 उतर गया, 0 बढ़ा कर 4 उतारेंगे, 6 4 24। अब 0 क्यों बढ़ाते हैं बताएं, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक। शुरू में इनको बताएंगे, जब रिमाइंडर थ्योरम चालू कर रहे थे तभी बताए थे, तो यानी 6 का गुणज है ना, शेषफल कितना आ गया, बताइए शेषफल कितना आ गया, आपके शेषफल 0 आ गया, कितना आ गया 0 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई संख्या ले लीजिए 1111 डॉट डॉट, कितना बार लेते हैं, लेते हैं 75 बार, 75 बार इसमें भाग करते रहे 3 से। अब क्या करेंगे, अब जो भैया आप क्या करने जाते हैं बताओ, ये 6 का गुणज है, 7 5 12 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो हम बताएं जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही 6 का गुणज होता है, तो यह 6 का गुणज है नहीं, तो आप देख लीजिए 6 का गुणज से कितना ज़्यादा है, इसके लिए आपको 6 से भाग करना पड़ेगा 75 में, 6 के 6 1 5 6 दूनी 12 3, यानी 6 के गुणज से कितना ज़्यादा है 3, जब 3 ज़्यादा है तो आपको जो एक अंक वाली संख्या है उसको उतना बार लिख देना है, तो 1 को आप 3 बार लिखेंगे, उसमें 3 से भाग कर देना, भाग करना आता है कि नहीं, अब तो कर लेंगे भैया, लीजिए कर दे रहे हैं, 3 3 9 2 आ गया 1, 3 7 21 और देखो शेषफल 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, शेषफल कितना आ गया 0। क्लियर, देखिए ये जो है अगर 72 होता तो 6 का गुणज था, ठीक, लेकिन 72 नहीं 75 है, यानी 3 ज़्यादा है, 3 बार ज़्यादा है, कितना बार ज़्यादा है 3 बार, क्या है जो 75 है 3 बार ज़्यादा है किससे, 72 से, तो 3 बार ज़्यादा है, तो जो एक अंक वाली संख्या उसको उतना बार लिख दो, फिर इससे भाग कर देंगे आगे शेषफल, शेषफल इसमें भी 0 आ गया, देखिए गुणज नहीं था फिर भी आ गया, तो इस पर डिपेंड करता है ना, अगर ये एक अंक वाली संख्या ऐसी होगी जोड़ने पे आ जाए या कट जाए तो भी आ जाएगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, बस यहाँ पर कोई संख्या ले लीजिए आराम से, लो 6 से ले रहे हैं, 6 6 6 डॉट ले लेते हैं बार, चले लेते हैं हम 20 बार छोटे संख्या लेते हैं, क्या दिक्कत है, बार को इंग्लिश में टाइम्स बोलते हैं, टाइम्स, अगर इसमें भाग कर दें हम किससे, किससे भाग कर दें 7 से, शेषफल निकालना है, तो 36 18 होता तो 6 का गुणज था, लेकिन 18 दो बार ज़्यादा है, तो हम 6 को दो बार लिखेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 63 घटा देंगे 3, शेषफल आ गया, हो गया आंसर, हो गया आंसर, ये आपका शेषफल है, क्या है शेषफल। एक क्वेश्चन और बात, चलिए लास्ट क्वेश्चन जैसे आपका है 8 8 8 कितना बार,
यही मान लीजिए 8 8 8 देख रहे क्या बात, 6 बार है। अगर इसमें भाग कर दें किससे, 37 से, कितने 37 से, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। कोई एक अंक वाली संख्या 6 बार रहेगी या 6 के गुणज के बार रहेगी तो उसमें 7 से 11 से 13 से या 37 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आएगा। ये फिर इसी को आप डाट डाट कर सकते हैं 6 बार, क्योंकि 6 में 6 का गुणज होता है। कोई भी संख्या स्वयं का गुणज होती है, कोई भी संख्या स्वयं का गुणज होती है। क्लियर, तो यही था कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं था, कितना आसान क्वेश्चन है। छाप लीजिए इसे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।